नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है अंगूठा दिखाने के आदाब। कॉलम निगार हैं अमर जलील और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। आज की किस्से में जिस जज का जिक्र खैर है उस जज का ताल्लुक जुडिशरी से नहीं है। उस जज का ताल्लुक ना हमारे मुल्क से है और ना हमारे मुआशरे से। इस वजाहत के दर पर्दा मेरा खौफ है, मेरा डर है। मैं नहीं चाहता कि कोई जज साहब मेरे किस्से का नोटिस लें और फकीर को कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के तहत धर लिया जाए। मैं बहुत ही बूढ़ा शख्स हूँ। एक सिपाही के आहनी हाथ के एक झांपड़ से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता हूँ। अपने ऐसे हशर नशर का मुझे यकीन है। मैं अपने मुल्क के कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों और उन इदारों में काम करने वाले कारिंदों की बेपनाह ताकत से वाकिफ हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम करने वाले कब कानून अपने हाथ में उठा लेते हैं। जब वो लोग कानून अपने हाथ में उठा लेते हैं तब दुनिया का कोई कानून रोक टोक के लिए उनके सामने नहीं आ सकता। हमारे मुल्क का शुमार तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में होता है। हमारे मुआशरे के आम आदमी ने भी कानून अपने हाथ में उठाने की आदत अपना ली है। वो लोग इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते, वो पुलिस से रुजू नहीं करते। इन बातों को वो पुराने फरसूदा किस्से तसव्वुर करते हैं। वो सब वक्त आने पर अदालत बन जाते हैं, खुद ही अदालत में जज बनकर बैठ जाते हैं, मुकदमे का सरे दस्त फैसला सुनाते हैं और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचा देते हैं। खास तौर पर दो कसूर वो दरगुजर नहीं करते, फौरन फैसला सादिर करते हैं और कसूर वार को सरे आम इबरतनाक सजा देते हैं। वो दो कसूर हैं गैरत पर वार और दूसरा कसूर है ब्लास्फेमी। बीवी ने बेवफाई की, आपने बेवफाई महसूस की और फिर गैरत में आकर बीवी को कत्ल कर दिया। आपने सीना तान कर पुलिस और अदालत को बता दिया कि गैरत में आकर आपने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, गैरत का मामला था। गैरत में आकर एक गैरतमंद शख्स इंतहा की तमाम हदूद पार कर सकता है। वो कत्ल कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है, किसी को नेस्तो नाबूद कर सकता है। बदले की आग इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, वो आपको अपने बुनियादी हुकूक याद दिलवाती रहती है। बीवी चूंकि आपकी लॉटरी में निकलती है या फिर आप एक अदद बीवी थोक या परचून के भाव पर ले आते हैं और आप बजा तौर पर पांचों हवास वाली औरत को अपनी इमलाक समझ बैठते हैं। वो आपकी खिदमत करे, आपके लिए खाना पकाए, आपके लिए आपके वारिस पैदा करे। आटे में नमक कम या ज्यादा पड़ जाए तो आप उसको मारें पीटें, बीवी की हड्डी पसली तोड़ कर रख दें। ये वो हुकूक हैं जो शादी के बाद आपको मिल जाते हैं। लिहाजा आप जब चाहें बीवी की किरदार कुशी कर सकते हैं, आप उसको कैफरे किरदार तक पहुँचा सकते हैं, उसके भेजे में गोली मार सकते हैं। गैरत के नाम पर आप बे इंतहा हुकूक के मालिक बन बैठते हैं। वैसे भी बच्चे पैदा करने वाली मशीन को बच्चे पैदा करने होते हैं। मशीन खातिर खान नताइज देने के काबिल ना रहे, यानी मशीन सिर्फ बेटियां पैदा करे, यानी आपको बेटे वली अहद पैदा करके ना दे, तो ऐसी नाकारा मशीन को आप ठिकाने लगाने का हक रखते हैं। बहरहाल मशीन आपकी मलकियत है, जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। ब्लास्फेमी के लिए आपकी अक्सरियत ने तमाम हुकूक हासिल कर लिए हैं, इसलिए आप अक्सरियती अवाम जब चाहे किसी को ब्लास्फेमी का मुर्तकिब करार देने के बाद उसकी सरेआम धज्जियां उड़ा दें, डंडों, लोहे के रॉडों और सरियों से, ईंटों, पत्थरों और सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉकों से मार मार कर उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दें। मुलजिम को आप पुलिस या अदालत में पेश करने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप मुलजिम को पकड़ते हो, उस पर खड़े खड़े मुकदमा चलाते हो और उसको मौत के घाट उतार देते हो। बचपन में पड़ी हुई आदतें मरते दम तक साथ निभाती हैं। मुझे बात कोई और करनी थी, किस्सा पारीना लेकर बैठ गया हूँ। बचपन में पड़ी आदतों से अगर आपने बचपन में पीछा नहीं छुड़ाया तो वो आदतें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। बचपन की आदतों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आपको एक कातिल की कहानी सुनाना चाहता था। जज साहब ने कातिल से पूछा, मक्तूल तुम्हारा ना दोस्त था ना तुम्हारा दुश्मन था, तुम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं थे, फिर तुमने उसे कत्ल क्यों किया?
قاتل نے کہا، بیلوں کی دوڑ کے مقابلے میں میرے بیلوں نے سونے کے 4 تمغے جیتے تھے۔ جتنے لوگ میلے میں موجود تھے انہوں نے مجھے مبارکیں دیں۔ اس بدبخت مقتول نے مجھے دور سے ٹھینگا دکھایا۔ ٹھینگا سمجھتے ہیں نا آپ؟ اس نے مجھے انگوٹھا دکھایا۔ پھر قریب آ کر اس نے مجھے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دکھائے۔ کسی کو انگوٹھا دکھانا ہمارے معاشرے میں گالی سے زیادہ برا مانا جاتا ہے۔ میں نے وہیں کے وہیں خنجر گھونپ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ میری غیرت کا تقاضا تھا۔ آپ بھی ماحول اور معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے سرخرو ہونے والے شخص کو انگوٹھا یعنی ٹھینگا مت دکھایا کریں، مفت میں مارے جائیں گے۔ ٹھینگا دکھانے کے آداب ہوتے ہیں۔ کسی کامیاب شخص کو ٹھینگا دکھانے کے لیے آپ کا انگریز ہونا ضروری نہیں ہے۔ انگوٹھا دکھانے کے لیے آپ کو بس چھری کانٹے سے کھانا کھانا آتا ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کس ہاتھ میں کانٹا اور کس ہاتھ میں چھری پکڑنی چاہیے تو پھر بھولے سے بھی کسی کو انگوٹھا مت دکھایا کریں۔ اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنا سیکھیے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔